Now next one, list of available keywords in Java. जैसा कि मैंने previous case में discuss किया था, total Java के अंदर 53 reserved words available हैं. Out of them, 3 are literal words और remaining 50 are reserved keywords. Reserved keywords भी again two category में divide किए थे. Used keywords और unused. Used keywords कितने थे Java में? Total 48. Remaining two क्या थे? Unused keywords. Unused keywords are const and go to. Same है. Reserved literals are true, false और null. इस केस में सारे के सारे कीवर्ड मैं कैटेगरी वाइज डिफाइन करूंगा. फर्स्ट वन कीवर्ड्स फॉर डेटा टाइप. डेटा टाइप के रिस्पेक्ट में बात करें, डेटा टाइप रिलेटेड टोटल 9 कीवर्ड्स अवेलेबल. देयर आर 9 कीवर्ड्स आर अवेलेबल इन जावा विद एसोसिएटेड विद डेटा टाइप्स. बाइट, सॉर्ट, कैर, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल एंड फाइनली बूलियन. इसे लेकिन ये टोटल कितने? 8. जबकि मैंने मेंशन कितने के दिया रहा? 9 कीवर्ड्स. जनरली 9 कीवर्ड्स एसोसिएटेड विद डेटा टाइप. डेटा टाइप के रिस्पेक्ट में बात करें, जनरली डेटा टाइप को टू डिफरेंट पर्पस यूज करते हैं. एज अ फॉर प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन और एज अ प्रोवाइडिंग फंक्शन डिक्लेरेशन. जनरली डेटा टाइप के रिस्पेक्ट में वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए एप्लीकेबल कीवर्ड्स कितने देर आर? 8. आउट ऑफ देम वन मोर एक्स्ट्रा डेटा टाइप इस void. लेकिन void कभी भी variable declarations में use करना possibility applicable only for method declaration. Therefore we are considering void is also data type in Java or empty data type. Next one keywords for class. Class के respect मत करें. Class related total Java के case में 3 keywords available हैं. Generally आप Java के case में 3 type के declarations provide करोगे at class level. Class, interface and enum. और वी कैन से इनेमरेशन. इनेमरेशन टाइप का भी डिक्लेरेशन प्रोवाइड करना पॉसिबल होगा यूजिंग इनम कीवर्ड. नेक्स्ट वन कीवर्ड्स फॉर कंट्रोल फ्लो. कंट्रोल फ्लो मींस रिलेटेड टू कंडीशनल और इटरेटिव स्टेटमेंट्स. इस केस में टोटल 11 कीवर्ड्स अवेलेबल हैं. 11 में से आउट ऑफ देम फर्स्ट वन इफ एल्स. ऑलमोस्ट जावा के अंदर कीवर्ड्स कैसे हैं? सिमिलर टू सी और सी प्लस प्लस. सम कीवर्ड्स आर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इन जावा. इफ एल्स then switch and switch के साथ associated keywords क्या हैं? case, default, break, continue. continue के association किससे है? loop से. it is related to looping statement. continue and लूप के रिस्पेक्ट में आपने डू, व्हाइल एंड फोर. डू, व्हाइल एंड फोर. देन कंट्रोल फ्लो के रिस्पेक्ट में बात करें, कंट्रोल फ्लो कीवर्ड्स का मीनिंग क्या है? एग्जीक्यूशन कंट्रोल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर स्विच करना. सेम एज आपने फंक्शन लेवल पर मोस्टली इंप्लीमेंट किया जाए रिटर्न स्टेटमेंट और रिटर्न कीवर्ड. रिटर्न इज ऑल्सो रिजर्व वर्ड और कीवर्ड, लेकिन रिटर्न का भी वर्किंग क्या रहता है? एग्जीक्यूशन कंट्रोल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सेंड करना और कॉल्ड फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन के लिए सेंड कराना. इसलिए इसको भी कंसिडर करोगे एज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट. कंट्रोल फ्लो रिलेटेड कीवर्ड्स टोटल कितने इस केस में? 11. नेक्स्ट वन कीवर्ड्स आर रिलेटेड टू एक्सेप्शन हैंडलिंग और एरर हैंडलिंग. एरर हैंडलिंग के केस में टोटल 6 कीवर्ड्स अवेलेबल हैं. आउट ऑफ देम 5 कीवर्ड्स आर रिलेटेड टू एक्सेप्शन हैंडलिंग, 1 इज रिलेटेड टू असर्शन. तो असर्शन के केस में जावा ने JDK 1.4 में न्यू कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया था असर्ट. रिमेनिंग्स आर रिलेटेड टू एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई, कैच, finally throw and throws. throw and throws इनका वर्किंग क्या है? अभी आपको जस्ट इनका वर्किंग समझने के लिए नेम इज जस्ट आपको चेकआउट करना. जावा के अंदर टोटल रिजर्व वर्ड्स कितने, इसके अलावा रिमेनिंग वर्ड्स को आप कंसीडर करोगे जब आइडेंटिफाई. जब भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इस पर्टिकुलर थिंग को कीवर्ड बोलेंगे या रिजर्व वर्ड्स बोलेंगे. इस लिस्ट में मैंने जितने भी मेंशन किए वो सारे के इसके यहाँ रिजर्व कीवर्ड्स. और प्रीवियस केस में मेंशन किया था लाइक अ ट्रू, फॉल्स और नल. दीज आर रिजर्व वर्ड्स इन जावा. रिमेनिंग केसेस में जितने भी वर्ड्स होंगे उन सभी को कंसिडर करो एज अ आइडेंटिफायर. 6 आर कंप्लीटेड. देन कीवर्ड्स फॉर ऑब्जेक्ट लेवल. ऑब्जेक्ट लेवल पर टोटल 4 कीवर्ड्स अवेलेबल हैं. जनरली आपने देखा था न्यू कीवर्ड. न्यू कीवर्ड का वर्किंग क्या था? क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स. सेम एज दिस रेफरेंस आपने सी प्लस प्लस में यूज किया हुआ, जिसके अंदर भी स्टोर किया होता है एड्रेस ऑफ करेंट ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट वन सुपर कीवर्ड.
प्लस रेफरेंस टाइप और ऑब्जेक्ट टाइप चेक करने के लिए जावा ने स्पेशली न्यू कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया कॉल्ड एज इंस्टांस ऑफ। इस टाइप से सी लैंग्वेज में एक ऑपरेटर आपने यूज किया होगा मोस्टली साइज ऑफ, जावा की केस में क्या है इंस्टांस ऑफ, लेकिन दोनों के वर्किंग डिफरेंट है। मैं केवल नेम्स को कंपेयर करने की बात कर रहा हूँ, वर्किंग दोनों की केस में डिफरेंट। देन नेक्स्ट वन कीवर्ड्स फॉर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के केस में मोस्टली आप टू कीवर्ड्स यूज कर दो, जनरली क्लास लेवल पर यूज करोगे एक्सटेंड्स एट क्लास लेवल, और इंटरफेस के केस में यूज क्या करेंगे, इंटरफेस के केस में एक्सटेंड्स भी यूज होगा प्लस एज वेल एज इंप्लीमेंट्स। नेक्स्ट वन पैकेज लेवल पर जनरली टू कीवर्ड्स यूज होते हैं फॉर प्रोवाइडिंग पैकेज डिक्लेरेशंस और इंपोर्टिंग पैकेज। पैकेज डिक्लेरेशंस प्रोवाइड करने के लिए कीवर्ड अवेलेबल है एज अ पैकेज, पैकेज स्टेटमेंट्स को इंपोर्ट कराने के लिए यूज क्या करेंगे इंपोर्ट। नेक्स्ट वन कीवर्ड्स फॉर मॉडिफायर्स, मॉडिफायर लेवल पर टोटल 11 कीवर्ड्स अवेलेबल है, अगर आप इनका टोटल निकालोगे तो टोटल क्या होगा 48, क्लियर। प्लस टू क्या है रिजर्व वर्ड्स और अनयूज्ड कीवर्ड्स कॉन्स्ट एंड गो टू, प्लस थ्री आर रिजर्व वर्ड्स, टोटल इज 53 रिजर्व वर्ड्स इन जावा। इन 11 के केस में बात करें, 11 के केस में मोस्टली आपने यूज किया लाइक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, जावा के केस में स्पेशली आप वर्ड यूज करोगे डिफॉल्ट डिक्लेरेशंस। इस केस में डिफॉल्ट के केस में आते हैं, डिफॉल्ट टाइप के केसेस में डिफॉल्ट, जावा के केस में डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट है, डिफॉल्ट मींस नथिंग, इसे डिफॉल्ट के रिस्पेक्ट में कोई भी कीवर्ड नहीं है। मीन्स अगर आपने किसी भी डिक्लेरेशन में प्राइवेट प्रोटेक्टेड या पब्लिक कुछ भी यूज नहीं किया, देन उस केस में आप कंसीडर करोगे एज अ डिफॉल्ट। मीन्स मोस्टली आपको कन्फ्यूज रहता है डिफॉल्ट जावा के अंदर कोई कीवर्ड होगा, मीन्स डिफॉल्ट को डिफॉल्ट से रिलेटेड जावा ने कोई भी रिजर्व वर्ड्स प्रोवाइड नहीं किया। देन नेक्स्ट वन स्टैटिक फाइनल स्ट्रिक्ट एफपी स्ट्रिक्टली फ्लोटिंग पॉइंट और फ्लोटिंग फ्लोट प्रिसीजंस, देन नेटिव वॉलेटाइल एब्स्ट्रैक्ट देन टोटल कितना हो रहा है इसके इसमें आई थिंक 3, 7, 2, 9, 2 इज मिसिंग। इसके अलावा 2 अदर कीवर्ड्स क्या है प्राइवेट प्रोटेक्टेड पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिक्ट एफवी नेटिव वॉलेटाइल एंड, इसके अलावा आप यूज करोगे मोस्टली सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड जस्ट यूज करेंगे इन केस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। वन मोर इज देयर इस स्टाइल से, मीन्स एक मिसिंग है कोई इस टाइप से। जावा के केस में टोटल कीवर्ड्स कितने हैं 48 कीवर्ड्स इन जावा।